हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को व्हाइट स्टोन चिप्स और स्टोन दोनों ही दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है व्हाइट स्टोन। ये सभी लेयर्स वाले सॉफ्ट वाले स्टॉक है। हाथ से देखिए कितने आराम से टूट रहा है। यहाँ पे और भी है। व्हाइट स्टोन का स्टॉक अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने कहा था व्हाइट स्टोन का कुछ स्टॉक आएगा और ये बहुत ही सॉफ्ट वाला अर्थी वाला स्टॉक है, ब्लैक से भी ज्यादा। ये देखिए, बहुत ही इजीली ये टूट रहा है। हमारे पास व्हाइट, रेड, ब्लैक, पिंक मल्टी कलर में स्टोन्स अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा अच्छी वाला स्टॉक और व्हाइट सॉफ्ट में है ये। इसके इस वीडियो के साथ मैं आपको पिंक स्टोन का भी वीडियो दिखा दूंगी, स्टोन चिप्स का भी। पिंक स्टोन तो है ही, थोड़ा सा स्टॉक हम दिखा रहे थे। तो ये देखिए, ये है व्हाइट का स्टॉक। बहुत ही अच्छा अर्थी वाला सॉफ्ट वाला स्टॉक है और ज्यादातर चिप्स जैसा है। आप लोग 1 kg में मल्टी कलर स्टोन ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा पीसेस तो नहीं होगा, क्योंकि 1 kg में रेड, ब्लैक, व्हाइट, पिंक सब डालने में छोटे छोटे पीसी आएंगे। लेकिन आप लोग अगर चाहे चेक करने के लिए, तो आप 1 kg में सॉफ्ट वाला स्टॉक बोल के स्टोन चिप्स स्टोन्स ले सकते हैं। उसका स्टॉक बहुत अच्छी है और इसके नीचे देखिए छोटे छोटे पीसेस है। इस स्टॉक को मैं यहाँ पे कुछ उतार चुकी हूँ और कुछ अभी बाकी है। स्टॉक का क्वालिटी कैसा है मैं बता दूँ, मैंने थोड़ा चेक किया, इसको सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है और कुछ कुछ क्रंची है, लेकिन मुझे क्रंची अभी दिखा, अभी तक नहीं दिख रहा था। देखिए, ये एकदम सॉफ्ट है। सभी स्टॉक लगभग 90% यहाँ पे स्टॉक सॉफ्ट है और इसमें कुछ पीसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा, कैसे बोलते उसको, मुझे उस तरह के स्टॉक पसंद आता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा हल्का हल्का ग्रिजीनेस लगता है, ऐसा स्टॉक भी इसमें है। इस तरह के स्टॉक बहुत अच्छे में अभी अवेलेबल है। थोड़ा थोड़ा ग्रिटीनेस लगता है, लेकिन सॉफ्ट अर्थी ऐसा स्टॉक है ये, लेकिन सॉफ्ट एकदम। सभी स्टॉक ग्रिटी नहीं है, सॉफ्ट ज़्यादा है। ये है पिंक स्टोन चिप्स, देख लीजिए। पिंक स्टोन चिप्स जो होते हैं ना पतले पतले में, वो बहुत सॉफ्ट में ही स्टॉक है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए, ये देखिए,
और पिंक कलर का ही है, ये डार्क रेड नहीं है, इससे थोड़ा हल्का कलर होता है ये। ये देखिए अंदर से लेयर्स में है ये। तो अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।